यात्रा कली जा रही है उसके बारे अज बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन वालों नौवें पातशाह हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब से ये असी यात्रा का आयोजन किया कि जिथे असी गुरु तेग बहादुर जी को याद कर रहे हैं उत्थे महान योधे जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर किसानी के मुक्तिदाता असी उन्होंने भी याद कर रहे हैं। ये यात्रा जिथे इतों बाबा बंदा बहादुर भवन रकबा तो चल के वक् वक् स्थानों पर रुकती हुई ये हरिमंदर साहब जाएगी। हरिमंदर साहब तो असी डेरा बाबा नानक ते गुरदास नगर गढ़ी बाबा बकाला रुकांगे जो गुरु तेग बहादुर जी ने जिथे तप किया उस स्थान है। उस तो बाद फतेहगढ़ साहब सरहंद यात्रा रुकेगी ते उस जगह ते असी समागम भी किए जाएंगे वक्त वक्त थावां ते समागम होंगे। तो फिर ये फतेहगढ़ साहब तो 19 तारीख को सवेरे 8 बजे दिल्ली लई रवाना होएगी जिथे सिंधू बॉर्डर ते किसानों का सन्मान करेगी। उस तो बाद गुरद्वारा रकाबगंज जाके ठहरेगी। 20 तारीख को शीशगंज गुरद्वारा साहब विखे समागम होंगे। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के शहीदी स्थान जिथे 740 सिंघां समेत बाबा बंदा बहादुर की शहादत हुई है उस स्थान पर महरोली विखे उत्थे भी नतमस्तक होगी यात्रा। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साल पर बना रहे हो की संदेश जरा लोगों को देना चाहिए? संदेश यह है कि गुरु तेग बहादुर जिन्होंने तिलक जिंजू का राखा तो हिंद की चादर कि उन्होंने उन्हों की रक्षा की मजलूमों की रक्षा की जिन्हों की कोई नहीं सुनता उन्हों की सुनी। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 9 साल की आयु के सन जब उन्होंने कहा कि जे कुरबानी की लोड़ है तो अज तो वो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि तुम जाके कुरबानी दो तो गुरु जी ने कुरबानी दी। तो अज मैं समझा कि जिथे असी उन्होंने याद करते हैं गुरु तेग बहादुर जी ने याद करना 400 साल प्रकाश पुरब है पूरी दुनिया के मनाया जा रहा उत्थे साडा भी फर्ज बनता है कि असी सारे नाल मिल के ये दिहाड़ा मनाइए और बाबा बंदा बहादुर जी ने याद करते हैं उत्थे असी किसानी संघर्ष को भी उत्साहित करते हैं। यह भी असी केंद्र सरकार को भी बेनती करते हैं कि किसानों की सच्ची सुची किरत का उन्हां किरती किसानों का सत्कार करते हुए जिहड़े 3 बिल रद्द किए जाण ताकि असी उन्हां महान गुरुआं दे ये पवित्र इतिहासिक दिहाड़े पर ऐसा फैसला लईए क्योंकि जिहड़ा लोकतंत्र है उत्थे लोगों की गल की जाती है अते लोकां दे फैसले किए जाते हैं लोगों दी भावनावां अनुसार किए जाते हैं लोगों की सोच अते देश की तरक्की नूं हित च रख के किए जाते हैं। ये भी असी अज अपील करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानां दे हितां नूं ध्यान च रखदे देश के हितों में ध्यान रखते हुए ये भी मैं समझा गंभीरता नाल सोचते हुए ये एक ऐसा फैसला लैन जिहदे नाल किसानी दे विच देश दे अंदर एक अच्छा मैसेज आए। Don't forget to like, comment and share.